पाकिस्तान की तरफ और पाकिस्तान के मौलवियों की तरफ। हाय हाय हाय। अगर तो आपने, पता नहीं आज ये गालिब ने भी वेडनेसडे को एक शो किया था, लाइव स्ट्रीम की थी, तो आप वहां उसका शो देख सकते हो। उसमें उसने काफी मौलानाओं के लिए, मौलियों के लिए, और आज हारिस ने भी एक शो किया है लाइव उससे पहले, तो उसमें भी उसने काफी सारी मौलानाओं के लिए क्या लिए उन्होंने, क्योंकि हमारे मौलवी साहब जो हैं वो रुकने नहीं देने, रुकते ही नहीं है, रुक ही नहीं रहे हैं। रोजाना ऐसा लग रहा है कि, मुझे तो लग रहा है मदरसों में दीन कम और पॉर्न मूवीज और सेक्स ज्यादा सिखाया जा रहा है। हमारी जो मदरसे हैं वो एक सेक्स ब्रॉथल्स बन गए, जिसे कहते हैं ना हीरा मंडी, तो हमारे मदरसे जो है वो हीरा मंडी बन गए और कुछ नहीं है। So, मैं आपको एक यहाँ पर वो दिखाते थी हूँ थोड़ा सा, just because this is something that came across, मैं आपको ये दिखा देती हूँ। ये गालिब ने भी दिखाया है, ये हारिस ने भी आज दिखाया है। मैं सारे मौलवियों को नहीं दिखाऊंगी कि इसने इसका ये कर दिया, क्योंकि इतने सारे केसेस एक हफ्ते में, इतने सारे केसेस आ जाते हैं कि बंदा सोचता है कि मैं कहाँ कहाँ से दिखाऊं। मुझे बहुत डिप्रेशन होता है इन चीजों से, मैं बहुत ही डिप्रेशन में चली जाती हूँ। आई जस्ट कैन नॉट डील विद इट। ओके, ये सो आप ये देख सकते हैं कि ये न्यूज़पेपर है, और अपेरेंटली आज मैं सुन रही थी कि न्यूज जो न्यूज़पेपर्स हैं उसमें एक सेक्शन बन गया है जहां पर बच्चे या औरतें जिनके साथ ज्यादती होती है ना, जिनसी ज्यादती, तो उनके केसेस यहाँ पे रिपोर्ट होते हैं। तो इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ ऊपर से लेकर नीचे तक भरा पड़ा है। यहाँ मैं थोड़ा सा पढ़ देती हूँ आपको कि सांगला हिल, दो बच्चों की मां से 14 दिन तक इज्तिमाई जिंसी ज्यादती। फैसलाबाद, 15 साल लड़की से मंगेतर के दोस्तों ने मुलकर इज्तिमाई ज्यादती की। रावलपिंडी, मालिक मकान ने 15 साल लड़की को जिंसी हवस का निशाना बना डाला। नौकरी का झांसा देकर खातून से ज्यादती। दादू जैनी मौजार बच्ची से मौलवी की मस्जिद में ज्यादती। तो ये आपके सामने 5-6 चीजें यहाँ पर ही दिख गई हैं। उसके अलावा एक 3 साल की बच्ची है जिसके साथ जिंसी ज्यादती हुई है। 3 साल की बच्ची, 3 years old, मदरसे में। क्या बोला जाएगा इसके बारे में। थैंक यू सो मच एंजल फ्रॉम स्काई, थैंक यू। ये चंद ही मैंने आपको दिखाए हैं। तो हमारे जो मदरसे हैं या जो मौलवी हैं वो क्यों कर रहे हैं ये हरकतें? क्योंकि एक तो सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन, ठीक है, सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन इतनी है क्योंकि आपको औरत देखना, यानी आप देख भी नहीं सकते हो, औरतों को बंद करके रख दो बिल्कुल ही ना दिखे, तो भाई उनके जज्बात तो जागेंगे ही ना। और फिर मैं बार बार ये कहती हूँ, जब हमारे लीडर्स ऐसे हैं, इमरान खान जैसे, इमरान खान जर्नलिस्ट जैसे, वकार जका हो गया, तारिक मसूद हो गए, इंजीनियर मिर्जा को भी डालूंगी मैं इसमें, अब इंजीनियर मिर्जा जी हो जाए या खलील उर रहमान जैसे हो जाए, जब ऐसे लोग बैठे हैं मिलियन मिलियन फॉलोअर्स को लेकर और सारे लोगों को ये जस्टिफाई करते हैं कि भैया लड़की जब बाहर निकलेगी बगैर बुरके के तो ये तो होगा ही। तो मैं हमेशा से ये कहती आई हूँ कि किस किस को बुरके में डालोगे आप, क्योंकि सिर्फ लड़की ही थोड़ी है आपके उसमें है। लड़की को तो छोड़ो, आप तो बकरी नहीं छोड़ते, बकरी तो छोड़ो आप, मुर्गी नहीं छोड़ते, गधा नहीं छोड़ा आप लोगों ने, आपने उस बंदी को भी नहीं छोड़ा जो कब्र में है, तो आप किस किस को पहनाओगे बुरका, किस किस को पहनाओगे बुरका? चलो उनको तो, उनको भी सबको बुरका पहना दो, फिर आपको लड़कों को भी बुरका पहनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास अजीज क्या था, वो अजीजुर रहमान था, कौन था वो बंदा मौलवी जो पकड़ा गया था लड़के के साथ, ग्रोन अप लड़के के साथ, जो एटलीस्ट 20-25 साल का होगा वो बंदा, तो उसको नहीं छोड़ा, तो अब क्या आप लड़कों को भी बनाओगे बुरके? लड़कों को भी बना दो बुरके। मेरे ख्याल से मैंने पहले भी आपको दिया है कि भाई आप एक काम करो, मर्दों को अंदर बंद करो, क्योंकि मर्दों की प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम मर्दों की है, प्रॉब्लम ऐसे मर्दों की है जिनसे कंट्रोल नहीं होता, तो जिससे कंट्रोल नहीं हो रहा ना उसको घर के अंदर रखो ना, उसको बांध के रखो जंजीरों से। औरत थोड़ी जाके बाहर जाके ज्यादती कर रही है मर्दों के साथ, औरत तो नहीं कर रही ना, औरत तो हाथ नहीं लगा रही है, तो फिर आप जाके मर्दों को खूंटी से बांध दो चेनों से, क्योंकि इनमें कंट्रोल तो है ही नहीं, क्योंकि इस्लाम में मेरे ख्याल से कंट्रोल सिखाया ही नहीं जाता है। इस्लाम कहता है जहां पर तेरे को लड़की है उसको फड़ लो, उसके ऊपर चढ़ जाओ। और ये आपको जो है लास्ट वीक जो वाकया हुआ था आयशा अकरम जो है लड़की है उसके साथ, जहां पर मीनार पाकिस्तान पे पागलों की तरह, जंगलियों की तरह, भेड़ियों की तरह चिमड़ गए थे उसको, तो पहले तो एक दिन तक ट्रेंड चला कि हाँ है कितना खराब हुआ, कितनी खराब चीज हुई, ये हुई वो हुई, बस उसके बाद से उस बंदी को विक्टिम ब्लेमिंग, विक्टिम शेमिंग, विक्टिम शेमिंग, उसके विक्टिम के ऊपर चढ़ गए भैया, विक्टिम को ही नहीं छोड़ा उन्होंने।
तो ये तो हमारे ट्रेंड चलता है, ये एक दिन वो सॉरी फील करते हैं विक्टिम के लिए, अगले दिन से फिर ये स्टार्ट हो जाता है प्रोपोगेंडा की विक्टिम को ही ब्लेम कर दो। तो अब उस केस में भी यही सुनने में आ रहा है कि उस बंदी के पीछे पड़े हुए हैं कि ये हुआ, उसने यूं करा, उसने वो करा, और ऐसे ऐसे नाम, ऐसे ऐसे नाम उसमें हैं। यानी लास्ट मेरी स्ट्रीम जब हुई थी तो मैंने ये कहा था कि खलील रहमान ने ये पहले उन्होंने भी देखा तो उन्होंने कहा है मुझे वो होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ब्ला ब्ला ब्ला। मगर फिर जब नैरेटिव बदल गया कि नहीं, उस लड़की ने वहां पे लोगों को बुलाया था तो वो भी बदले, ये बदल गए, वो कह रहे हैं कि नहीं इस लड़की को अरेस्ट करो, वो कह रहे हैं इस लड़की को अरेस्ट करो, इस लड़की ने हरास किया उन सारे मर्दों को। भाईचोद कहाँ से निकाल के लेते हो, यानी कितने अंदर अपना हाथ डालते हो गांड के और वहां से खींच के लाते हो। स्पेशल लेकर आता है ये खलील उर रहमान, तो पता नहीं कहाँ से लेकर आता है। उसके साथ साथ जो है वकार का, वो क्यों पीछे हटे, वो क्यों पीछे हटे भाई, वो भी दोबारा से पहले उन्होंने जो एक्सट्रीम की जिसमें उसने बहुत बुरी बुरी गालियां दी इस लड़की को, वो उसने हटा दी। मगर कल भी मैं उसकी वो देख रही थी स्ट्रीम फेसबुक पे जो उसने डाली है, तो वहां पर फिर लगा हुआ था कि नहीं इस लड़की को जो है जरूर सजा मिलनी चाहिए, इस लड़की ने गलत हरकत की। यानी पूरा नैरेटिव ही बदल दिया है, नैरेटिव ये हो गया है कि इस लड़की ने पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए किया है। ये नैरेटिव जो है ये चलाया गया, ये प्रोपोगेंडा स्टार्ट किया गया कि उस लड़की ने वहां पे बुलाया और उस लड़की ने, यानी आई डोंट नो, मेरी तो समझ में नहीं आता है कौन सी बंदी ऐसी होगी जो कहेगी हाँ हाँ मैं जा रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि 400 बंदे ना मेरी बोटियां नोचें। उस लड़की ने शायद बुलाया हो, हाय आपका नाम क्या, इसका ग्रोया, आपने नाम चेंज कर लिया है, वेलकम, माई वॉइस वॉज गॉन, मैं म्यूट कर लेती हूँ थोड़ा सा अपने आपको, थैंक यू अमित जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो नैरेटिव ये है कि हाँ उस लड़की ने वहां पे लोगों को बुलाया मीट एंड ग्रीट के लिए, चलो बुलाया मैं मानती हूँ, चलो बुलाया ठीक है, मगर ये कह देना कि उस लड़की ने ये चाह रही थी कि 400 लोग उसके ऊपर चढ़ जाएं, नहीं आई डोंट थिंक सो। और फिर और भी सारे, यानी जितने भी हमें गवाह मिल रहे हैं वो सारे मर्द मिल रहे हैं, कोई औरत तो अभी तक आई नहीं, सिवाय एक दो औरतों के जो आगे कह दिया है उसने तो वाहियात कपड़े पहने थे। भाई अगर सलवार कमीज वाहियात है तो क्या पहने बंदी, तो एक काम करो कि सारी जो औरतें शलवार कमीजें पहन रही हैं तो यानी मतलब कि वो सारी टारगेट होंगी। ये शलवार कमीज तो आपका जो है नेशनल कॉस्ट्यूम है, नेशनल आपका ड्रेस है शलवार कमीज, उसने कौन सी बिकिनी पहन के घूम रही थी वो वहां पे। अभी मैं 2 दिन पहले मैं यहाँ पे गई हूँ, एक अम्यूजमेंट पार्क है वहां पर, राइड्स वगैरह होती है, वाटर पार्क भी है वहां पर, तो मैं वहां गई थी और मैं वाकई में एक वीडियो बनाना चाह रही थी वहां का, वो तो वाटर पार्क में अपना फोन नहीं लेके जा सकी, मगर वहां पे मैं ये दिखाना चाह रही थी कि वहां पर किस तरीके से हर एज की औरत लड़की जो है बिकिनी में घूम रही थी, नंगी आधी नंगी घूम रही थी और वहां मर्द भी घूम रहे थे, मगर किसी ने किसी पर झपट्टा नहीं मारा वहां पे। एक्चुअली बुरके में भी आई हुई थी, जो बुरके में भी आई हुई थी और उसमें, थैंक यू टिंटिन शेख, थैंक यू अफगान यूएस दे आर ब्रिंगिंग फैमिली विदाउट वीजा, हाँ वो तो अब आएगा ही, लोग तो आएंगे यहाँ पे विदाउट वीजा ऑब्वियसली, और उसके साथ साथ जो है बीच में, खैर आई विल कंटिन्यू ऑन दैट लेटर।